हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग फ़ोन है तो सैमसंग फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में वाइब्रेट वेल रिंगिंग ऑप्शन है तो वाइब्रेट वेल रिंगिंग ऑप्शन को आप कैसे इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाइब्रेट बेल रिंगिंग ऑप्शन है तो वाइब्रेट बेल रिंगिंग ऑप्शन को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग पे। क्लिक करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग ओपन हो गया है। तो ये ऑप्शन आ रहा है वाइब्रेट बेल रिंगिंग, तो इसको हम यहाँ से इनेबल करते ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में कोई भी कॉल्स वगैरह आती है तो जो रिंग टोन्स की कॉल्स है उसमें जो वाइब्रेशन है शो करेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ से इनेबल कर दिया है। तो इस तरीके से आप वाइब्रेट बेल रिंगिंग ऑप्शन को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।